हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं भरमौर के एक गांव आई हुई हूं और आप सबको मैंने गांव दिखाया, आपको गांव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अभी आज मैं जा रही हूं गरोड़ा। गरोड़ा यहां से लगभग कितना टाइम लगता है, 1.25 घंटा लग जाता है यहाँ से। तो वहाँ जा रही हूँ आज। और आज ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, क्योंकि कल शाम से पूरी रात बारिश हुई। सुबह अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे और बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ इस गांव में भी जो टॉप पे हमने आपको पेड़ दिखाया था ना, ऊपर जो हम ऊपर गए थे मंदिर वाली साइड, तो उस साइड भी बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पड़ना शुरू हो गई है। इधर उधर के पहाड़ों के नज़ारे तो देखने लायक है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई आज यहाँ पे, मैं एकदम पूरी तरह से पैक हो चुकी हूँ। तो अभी मैं गाँव से काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ बस लेने के लिए, और नीचे मुझे जाना है। बस आधा रास्ता मुझे बचा है अभी नीचे जाने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ नीचे मेन रोड कहाँ पर है और मैं कहाँ से आई। तो ये जो ऊपर घर दिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर गांव भी क्लियर नहीं दिख रहा है, और ये इस साइड वाला एरिया है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और अभी मैं ऊपर से आई हुई हूँ और अभी मुझे यहाँ नीचे पहुँचना है। ये नीचे जो दिख रहा है, ये है मेन रोड NH है, चंबा भरमौर। तो यहाँ पे अभी मैंने जाना है और रास्ता कुछ इस तरह का है। ये आप देख सकते हैं, पत्थर ही पत्थर है रास्ते में, और कुछ ऐसा है रास्ता, काफ़ी ज़्यादा कंकड़ है रास्ते में। और ये वाले कांटे जो औषधियों के रूप में भी, जिन्हें हम जिनकी जड़ें हम यूज़ करते हैं, ये वाले कांटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे इन कांटों को बोलते हैं कैम्भड़, कैम्भड़ के कांटे या कैम्भड़ के पौधे। तो सबको पता है कि इनको, इनकी जड़ों को जड़ी बूटियों के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो बस गांव से काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं। और ऊपर से जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वहाँ से आप सब देख सकते हैं कि पहाड़ कितने मतलब सामने दिख रहे हैं। तो अभी काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ मैं, और ये देखिए पहाड़ बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल पत्थर दिख रहे हैं, एकदम ऐसे पहाड़ हैं, बिल्कुल पत्थर हैं एकदम। तो मैं मेन रोड पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। और देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ रावी नदी। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए जी, बारिश होने की वजह से रावी नदी भी एकदम मटमैली हो चुकी है। देखिए पूरा मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है इसमें। ये पीछे तक दिखती जाती है रावी नदी, क्योंकि रावी नदी निकलती है बड़ा भंगाल से। और पीछे देखिए पहाड़ चमक रहा है, बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो चुका है पूरा पहाड़। हाय, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है फिलहाल तो। और ये है मेन रोड, और गांव में अभी दिखाती हूँ आपको कहाँ पे है। ये जो ऊपर घर दिख रहे हैं ना, ये वाले यहाँ पे है गांव, और ये है रोड। तो लगभग 1.25 घंटा लग जाता है उतराई में भी। ये जो टावर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे है गांव ऊपर। पूरा क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, बट दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह का है, और पीछे पीछे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है यहाँ पर, पता नहीं कब गिरेगी। और ये देखिए पहाड़, पूरी जगह मतलब पत्थर ही पत्थर हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ बोलते हैं शप्पड़, शप्पड़ ही शप्पड़ है, पत्थर ही पत्थर है। और वहाँ पे ऊपर देखिए, ये जो गांव है ना, इसके टॉप वाली चोटी पे भी बर्फ पहुँच चुका था। ये जो ऊपर दिख रहे हैं पेड़, ये वाले, इसमें भी थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो चुका है। अब ऐसी ही बारिश रही 2-4 दिन तो शायद गाँव में भी पड़ ही जाएगी बर्फ। तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ और अभी मैं पहुँची हूँ डकोक। यहाँ से जो दूसरी वाली रोड दिख रही है ना, ये जाती है बन्नी माता टेम्पल के लिए, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है भरमौर का। और यहाँ से तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से बस हम आगे जाएंगे और आगे मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखाऊँगी। और यहाँ के आप रोड देखेंगे तो मुझे तो बहुत ही डरावने लगते हैं। आप भी देखिए कि आपको ये रोड कैसे लगते हैं। ढकोक से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे देखिए जाम लगा हुआ है, क्योंकि पिछली रात को बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो गया है, इसलिए थोड़ा सा जाम लगा हुआ। और यहाँ पे आगे JCB अपना काम कर रही है, तो देखते हैं कितनी देर में रोड साफ़ होता है और हम आगे जा पाते हैं।
तो रोड लगभग आधे घंटे में ठीक हो चुका था और लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, बरसात और सर्दियों में लैंडस्लाइड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रोड पे। और यहाँ पे वहाँ से थोड़ा आगे निकल के यहाँ खड़ा मुख से थोड़ा सा पीछे एक टनल है। टनल का मुझे पूरा पता नहीं है कि कौन से ईयर में बना है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, लेकिन ये खड़ा मुख से थोड़ा सा पीछे है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और कुछ इस तरह की है टनल और इसको क्रॉस करते ही हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे खड़ा मुख। तो ये लीजिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं खड़ा मुख, और खड़ा मुख में ये देख सकते हैं आप रावी नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे सारी बसेस जो है लगभग 5 से 10 मिनट तक रुकती हैं और अपनी सवारियों का इंतज़ार करती है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही मैं आपको दिखाती हूँ कि भरमौर को कौन सा रोड जाता है। अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जो ये नीचे वाला रोड है ये जाता है भरमौर के लिए, और ये ऊपर वाला रोड जाएगा गरोड़ा के लिए, जहाँ मैं अभी जा रही हूँ। गरोड़ा यहाँ से है लगभग 2-4 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। और होली है 25 किलोमीटर और भरमौर है 14 किलोमीटर। मतलब ये जो नीचे वाला ब्रिज है इसको क्रॉस करके भरमौर जा सकते हैं, पर अभी मैं जा रही हूँ गरोड़ा के लिए। कभी मैं भरमौर जाऊँगी तो भरमौर भी आपको दिखाऊँगी, अभी मुझे गरोड़ा में थोड़ा सा काम है। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधे गरोड़ा में। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं गरोड़ा, और रोड थोड़ा ख़राब था पीछे तो काफ़ी लेट हो गई हूं मैं। और पीछे देखिए पूरी पहाड़ी सफ़ेद हो चुकी है, पेड़ भी सफ़ेद ही दिख रहे हैं काफ़ी ऊपर तो। और ये है आगे गरोड़ा बाज़ार, ये आप सामने देख सकते हैं, और ये है रावी नदी। तो चलिए अभी बाज़ार चलते हैं और बाद में आपको मैं बाज़ार दिखाती हूँ। तो अभी मैं बाज़ार से थोड़ा आगे आ चुकी हूँ और कुछ इस तरह का है यहाँ पे बाज़ार, तो आपने देख लिया पीछे। और बाज़ार से थोड़ा आगे आके ना ऐसे आता है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ से ये जो रोड जाता है ये होली जाता है, होली के लिए है ये रोड। और होली तो आप सबने सुना ही होगा। और ऊपर देखिए कितने ऊपर ऊपर घर है यहाँ पे, और ये वाला जो मोड़ आता है ना काफ़ी ज़्यादा आता है, बस आने में काफ़ी टाइम लगता है। और वहाँ पे मुझे लग रहा है ऊपर जो लंबी वाली बिल्डिंग है ना वो लग रहा है कि स्कूल है, और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है यहाँ पे। और ये जो उधर रेड कलर का दिख रहा है आई थिंक किसी प्राइवेट स्कूल की तरह लग रहा है। और यहाँ पे बाज़ार उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बह रहा है, कोई नाला होगा यहाँ पे। और उस तरफ है रावी नदी जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई, और बानी बन्नी होती है ना, एक बान की तरह होती है, उसके पेड़ भी है यहाँ पे। और बाकी अखरोट और सेब के बगीचे भी हैं ऊपर ऊपर, देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर तक घर हैं यहाँ पे। और पीछे पहाड़ों पे हो चुकी है बर्फबारी, और यहाँ पे ना पूरे रोड पे काम चला हुआ है, ट्रक चल रहे हैं, बाकी जेसी भी चल रही है, तो पूरे रोड में कीचड़ ही कीचड़ है, और जूतों की हालत ख़राब हो गई है मेरी। तो ऐसा ऐसा है कुछ यहाँ पे, तो बस अब बस का वेट करते हैं वापस जाने के लिए। दिनों बाद यहाँ पे भी स्नोफॉल हो जाएगा, ऊपर ऊपर पहुँच चुका है तो नीचे भी हो ही जाएगा। अगर लगातार आज भी बारिश होती तो शायद स्नोफॉल यहाँ पे हो जाता आई थिंक।